प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के यात्री निवास में सेवा सप्ताह कार्यक्रम के तहत 140 दिव्यांगजनों में ट्राई साइकिल एवं कृत्रिम अंग उपकरण का वितरण किया। इस मौके पर दिव्यांगजनों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को विश्व में एक अलग पहचान दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिव्यांगजन शब्द भी प्रधानमंत्री मोदी की देन है, दिव्यांगजनों को एक दृष्टि दी है जिससे उनको एक अलग पहचान दी है। शासकीय नौकरी में आरक्षण के तहत दिव्यांगजनों को नौकरी दी जाती है जिससे उनके जीवन को आसान बनाया जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले पैसा दिव्यांगजनों के खाते में नहीं जा पाता था, अब मोदी जी के द्वारा पैसा सीधा उनके खाते में जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले दिव्यांगजनों को पेंशन 300 रुपये मिलती थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 500 रुपये किया गया है। उन्होंने सभी दिव्यांगजनों को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर शुभकामना दी। इस मौके पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, विधायक विपिन सिंह, संत प्रसाद, महंत पाल सिंह, संगीता यादव, जिलाधिकारी के विजयन पांडियन, SSP जोगेंद्र कुमार, SDM सदर गौरव सिंह सोगरवाल, ADM सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, SP सिटी डॉक्टर कौस्तुभ, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, SDM खजनी सुरेश राय सहित भाजपा के अन्य पदाधिकारी सहित दिव्यांगजन मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने कहा, सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 70वें जन्मदिन के सुखद अवसर पर प्रिय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज एवं इस कार्यक्रम जिला मुख्यालय पर एक कार्यक्रम हो रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों के द्वारा ये सभी दिव्यांगजनों को भाई बहनों को लोकप्रिय मुख्यमंत्री कुछ योगी आदित्यनाथ जी महाराज का मैं आप सब की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ आज के अवसर पर, इस विशेष अवसर पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, जिला के अध्यक्ष श्री मिस्टर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, वैश्विक मंच पर भारतीय परंपरा को, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को एक नई पहचान दिलाने के साथ ही वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आज पावन जन्मदिन है। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में पूरे देश के अंदर बूथ स्तर से लेकर के और राष्ट्रीय स्तर तक के कार्यक्रमों के माध्यम से मना रही है।
के इस अवसर पर मैं सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, भारत के गौरव के प्रतीक पुरुष, भारत के स्वाभिमान और सम्मान को वैश्विक मंच पर एक नई प्रतिष्ठा दिलाने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन पर मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश के आप सभी नागरिकों की ओर से उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। ईश्वर उन्हें सतायु करे, उनका यश उनकी कीर्ति दुनिया के अंदर इसी प्रकार से फैलती रहे और उनका नेतृत्व हम सबको प्राप्त होता रहे। मैं इस कामना के साथ आप सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों को भी इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं और इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद भी देता हूं। एक सप्ताह का यह कार्यक्रम अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों को लेकर के चल रहा है और आज यहाँ पर सेवा सप्ताह कार्यक्रम के अंदर कल हम लोगों ने देखा है कि पूरे प्रदेश में हर नगर हर वार्ड में स्वच्छता का एक बृहद कार्यक्रम चला और आज दिव्यांग जनों को कृत्रिम अंग उपकरण वितरण का कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रमों के साथ उनके सहयोग के लिए एक कार्यक्रम का शुभारंभ भी हो रहा है। हम सब जानते हैं कि दिव्यांग जन शब्द भी प्रधानमंत्री जी की देन है। उन्होंने सोचने की एक नई दृष्टि दी है, हर एक दिव्यांग जन को इस बात की एक दृष्टि दी है कि वह भी इस सम्मान के साथ जीवन यापन कर सके और इसलिए उन्होंने दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल करते हुए उन सबको सम्मानित करने का कार्य किया है और उनके जीवन में कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है यह हम सब जानते हैं कि पहले दिव्यांग जनों को शासकीय नौकरियों में जो आरक्षण का लाभ मिलता था उसमें कुछ ही कैटेगरी थी, उसमें विवृद्धि करते हुए अब उन्होंने उसको बृहद आयाम के साथ कई प्रकार के नए कैटेगरियों में बढ़ोतरी करते हुए हर प्रकार के दिव्यांग जनों को शासकीय नौकरियों में उनकी अधिक से अधिक सहभागिता हो सके इसके लिए अनेक प्रावधान किए हैं। कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के क्षेत्र में भी लोगों को राहत मिले, अनेक सुविधाएं प्राप्त हो, ये भी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण ही संभव हो पाया है। पर आज मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 70वें जन्मदिन के अवसर पर दिव्यांग जनों को कृत्रिम अंग उपकरण शासन की सुविधा का लाभ देते हुए अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। कल ही हम लोगों ने सेवा सप्ताह के अंतर्गत 86,95,000 से अधिक निराश्रित महिलाओं को, बुजुर्ग वृद्धा बुजुर्गणों को, दिव्यांग जनों को और कुष्ठावस्था से जुड़े हुए लोगों को त्रिमासिक पेंशन वितरण की कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। पहले पैसा सीधे उनके खाते में नहीं जा पाता था और इसमें तो बंदरबांट की भी शिकायतें आती थी, लेकिन आज ये पैसा सीधे दिव्यांग जनों के खाते में भी जा रहा है, निराश्रित महिलाओं के भी खाते में जा रहा है, वृद्ध जनों के खाते में भी जा रहा है और कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के भी खातों में पैसा सीधे उनके अकाउंट में जा रहा है। आज वह इन योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। इससे पहले दिव्यांग जनों की जो मासिक पेंशन थी वो 300 रुपये हुआ करती थी, हम लोगों ने इसे बढ़ाकर के 500 रुपये किया। प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया है कि दिव्यांग जनों को न केवल कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के कार्यक्रम के साथ सुगमता के साथ जोड़ा जा सके बल्कि शासन की योजनाओं को सुगमता से उन तक पहुंचाने का कार्यक्रम हो। यहाँ पर उपस्थित सभी दिव्यांग जनों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ और उन सबको ही बधाई देता हूँ जिन्हें आज कृत्रिम अंग उपकरण और शासन की सुविधा का लाभ यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। हम सब जानते हैं कि पिछले
छह वर्षों के अंदर देश के अंदर बहुत कुछ नया परिवर्तन हुआ है। छह वर्ष पहले तक देश के अंदर जो अव्यवस्था थी, अराजकता थी, अविश्वास था, असुरक्षा का वातावरण था, आज वह एक नए विश्वास के साथ, एक नए गौरव की अनुभूति करने के साथ, एक नई सुदृढ़ व्यवस्था के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गरीबों को प्रधानमंत्री आवास देने का कार्यक्रम हो, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर एक गरीब को शौचालय देने की व्यवस्था हो, हर गरीब के घर तक विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध कराने की कार्रवाई हो, या फिर सौभाग्य योजना के अंतर्गत विद्युत के कनेक्शन हो, या फिर उज्ज्वला योजना के अंतर्गत महानिधि के साथ जोड़ने, हर गरीब को स्वास्थ्य सेवा की दुनिया की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत के साथ जोड़ने का कार्यक्रम हो, ये जो बृहद कार्यक्रम चले हैं देश के अंदर, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए जो अनेक कार्यक्रम चले हैं, ये अनेक कार्यक्रम इस देश के अंदर समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को शासन की योजनाओं के साथ जोड़ने और उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन के आधार बने हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी पिछले छह वर्षों के अंदर जो कार्य हुआ, रेलवे में, एयरपोर्ट में, हाईवे में, वाटरवे में, या फिर एम्स के निर्माण में, आईआईटी के निर्माण में, आईएम के निर्माण में, विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों के निर्माण के लिए, मेडिकल कॉलेजेस के निर्माण के लिए, ये आप सब ने पिछले छह वर्षों के अंदर इसमें भी व्यापक परिवर्तन देखा है। देश के अंदर जो पूर्वोत्तर के राज्य या कश्मीर अलगाववाद और उग्रवाद की चपेट में था, आज पूर्वोत्तर के राज्य शांति के साथ, विकास की एक नई प्रक्रिया के साथ जुड़े हैं, तो कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करते हुए पूरे देश के अंदर एक भारत श्रेष्ठ भारत की एक नई कड़ी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने जोड़ा है। और यही नहीं, भारत की आस्था को भारत के अंदर भी और वैश्विक मंच पर भी सम्मान मिलना चाहिए। प्रयागराज कुंभ, आप में से बहुत सारे लोग गए होंगे, क्या अद्भुत कुंभ था। सुरक्षित कुंभ हो सकता है, स्वच्छ कुंभ हो सकता है, भव्य और दिव्य कुंभ हो सकता है, और भारत के हजारों वर्षों की कुंभ की परंपरा को यूनेस्को के द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी जा सकती है, यह भी हम सब ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में महसूस किया। अयोध्या में 500 वर्षों से जिस कार्य के लिए सनातन हिंदू धर्मावलंबी लगातार लड़ता रहा, शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अयोध्या के मंदिर का फैसला ला करके उस मंदिर के कार्य का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री जी ने अपने कर्तव्यों से प्रारंभ करके भारत की आस्था को मजबूती देने का कार्य किया, तो काशी में काशी की प्रगति और नमामि गंगे के माध्यम से गंगा माता की अविरलता और निर्मलता के जो नए आयाम छूने के कार्य हुए, यह भी हम सबके सामने है। वैश्विक मंच पर योग को विश्व योग दिवस के रूप में प्रतिष्ठा दिलाने का कार्य हो, या फिर वैश्विक मंच पर भारत की कूटनीतिक और राजनीतिक सफलता के नए आयाम को चूमने के कार्यक्रम के निरंतर सफलता की नई नई ऊंचाइयों को छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। देश के अंदर जो हमारा मित्र है उसके साथ मित्रता का व्यवहार करेंगे, लेकिन जो भारत के अंदर शत्रुता का व्यवहार करेगा उसको फिर उसके घर में घुस करके उसी प्रकार का जवाब देंगे। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के माध्यम से दुश्मन को उसके घर में घुस करके किस प्रकार का सबक सिखाया जाता है, यह शौर्य और पराक्रम भी भारत ने पिछले छह वर्षों के अंदर देखा है, महसूस किया है। भारत के गौरव को चतुर्दिक बढ़ाने वाले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, और जन्मदिन के इस कार्यक्रम को सेवा सप्ताह के रूप में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित किया गया है। मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी के यशस्वी जीवन की, दीर्घ जीवन की और उनका योग्य नेतृत्व और मार्गदर्शन पूरे समाज को, पूरे देश को निरंतर प्राप्त हो, इस कामना के साथ आप सबको भी मैं 70वें जन्मदिन के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ।
और जिन दिव्यांग जनों के जीवन में या समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के जीवन में प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज परिवर्तन आया है, उन सबको भी मैं ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि हम सब प्रधानमंत्री जी के प्रेरक व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा लेकर के हम भी अपने स्तर पर समाज को जहां भी हो सके, जिस भी प्रकार से हो सके, हमें भी अपना योगदान देना चाहिए। कोरोना कालखंड के अंदर आपने देखा होगा दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का, और फिर भी भारत के अंदर जिस मजबूती के साथ कोरोना की लड़ाई लड़ी गई और लड़ी जा रही है, यह अद्भुत है। प्रधानमंत्री जी के सुशील नेतृत्व में सब संभव हो पा रहा है। हम सब इस बारे में जरूर ध्यान रखें, कोरोना की लड़ाई ये लंबी चलने वाली लड़ाई है और इस लड़ाई में हम सबका दायित्व तो बनता है। मास्क हम जरूर पहने, दो गज की दूरी का पालन जरूर करें, इन सभी का पालन करते हुए अगर हम लोग कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई में सहभागी बनते हैं, कोरोना परास्त होगा, भारत विजयी होगा और हम लोग विकास के नए नए प्रतिमान स्थापित करेंगे। आप सबको मैं एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सब लोग प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायी व्यक्तित्व और कृतित्व से निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए लोक कल्याण के मार्ग पर, राष्ट्र कल्याण के मार्ग पर अपने आप को समर्पित करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 70वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आज दिव्यांगजनों को उपकरण से कमलों से सुनील श्रीवास्तव, डॉक्टर उपेंद्र श्रीवास्तव, सपना गौर, वितरण होता हुआ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। सपना गौर, श्री रियाजुद्दीन अली, हियरिंग एड के साथ साथ स्मार्ट कीन हमारे दिव्यांगजनों को मुख्य श्री जितेश कुमार, श्री आनंद पांडे, राजेंद्र मोहन, श्री अंकुश कुमार, श्री आलोक कुमार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय केकर कमलों से आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय के 70वें जन्मदिवस के अवसर पर यह उपकरण इस आशा के साथ वितरित किया गया कि आने वाले जीवन की जिस भी पद पर इन्हें आवश्यकता हो, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का वरद हस्त सदैव उनके ऊपर बना रहेगा। आत्मनिर्भरता के साथ साथ जीवन में जिस कड़ी पर यह आगे बढ़ना चाहिए, यह अपने सुकीर्ति बढ़े जीवन में, सुकीर्ति बढ़े जीवन में आरोग्य आयुष संग्रामी हो आशीष।
तो हम आ गए टिकट वाले हैं मानसी सब लोग इधर अभी नहीं निकाल रहा हूँ या एक दो घंटे रुको दो तीन घंटे रुको जहाँ पे बात है आज हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन का साप्ताहिक हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। ये 14 तारीख से 20 तक चलेगा ये कार्यक्रम। आज दिव्यांगजनों को विभिन्न उपकरण दिए गए हैं, ट्राई साइकिल से लेकर और जो भी उनके लिए जरूरी था दिया गया है पूज्य महाराज जी द्वारा। करीब 140 की संख्या थी जिनको आज उपकरण दिए गए हैं। अब कल हम लोग सफाई अभियान चलाए पूरे देश में, हर तरफ सफाई अभियान चला करके कार्यकर्ताओं ने लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। एक दिन रक्तदान का भी कार्यक्रम हम लोगों ने किया है। कल हम लोग पॉलिथीन भगाओ हटाओ इसके लिए कल हम लोग अभियान चलाएंगे और सबको जो है बैग वितरण किया जाएगा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं द्वारा। इस तरह से विभिन्न कार्यक्रम हम लोगों के साप्ताहिक कार्यक्रम चलते रहेंगे और हम लोग ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे हमारे देश के सच्चे प्रधानमंत्री दीर्घायु हों सतायु हों, यही हम लोगों की कामना है।